बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मजाज वगैरह में ठीक हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं गुलगुले। तो देखते हैं कि मुझे गुलगुले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो नंबर एक तो ये मुझे दो दालें चाहिए, चने की दाल है और ये माश की दाल है धुली। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले गीला कर लेंगे, इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे, चने की दाल और माश की दाल। और इसके अलावा हमने बना ली है ये इसकी चटनी है खुश्क पानी, हम पानी में भिगो देंगे थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद इसकी चटनी तैयार कर देंगे। चल बोल। तो नाज़रीन, ये गुलगुले के लिए हम चटनी तैयार करने वाला है। ये खुबानी हमने ये अच्छी तरीके से गल गई है, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये कुछ धनिया और पुदीना है और ये हरी मिर्ची, ये हम सब चीज़ें मिला के तो ये चटनी बना लेते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी हमारी हो गई है ग्राइंड, देख सकते हैं आप, तैयार हो चुकी है। तो हम अब इसको हैंड ग्राइंड कर लेते हैं। तरह पीस लेंगे और पके मसाला जात फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारा गर्म हो चुका है, तब हम डालते हैं इसको ये गुलगुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आराम से डाल रहे हैं क्योंकि ये इनका साइज गोल होना चाहिए, तो इनकी शेप हमें खुद बनाना पड़ेगी। जो मैंने दाल ली थी ये दोनों मैंने पाया पाया ली थी, एक पाव माश की दाल और एक पाव चने की दाल। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा गोल बन गया, ये गोल होने चाहिए। तो आराम से डाल लें, आराम से। चलो चला, बहुत ही अच्छे बड़े हैं, इसी तरह सारे ही बना लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर रहा है, दोस्तों तक शेयर कर रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और दूसरों को भी मौका दीजिए और उनकी मदद कीजिए। और फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।